खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में फिर हंगामा। राई ऑपोजिशन ने नारवा रवैये के खिलाफ स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली निगत और अगजई लाउड स्पीकर भी ऐवान में ले आईं। इजलास सिर्फ 40 मिनट तक चल सका। एहतजाज के बाइस इजलास मुलतवी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास एक बार फिर हंगामा आरई की नज़र हो गया। स्पीकर मुश्ताक गनी की ज़ेर सदारत शुरू होने वाले इजलास से कबल ही अपोजिशन अरकान अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए और डेस्क बजाना शुरू कर दिया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और नारेबाजी की। इस दौरान हुकूमती अरकान ने अपोजिशन अरकान के नारों के जवाब में नारे लगाए। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी की रुकन असेंबली निगत और अगजई लाउड स्पीकर भी ऐवान में ले आईं। इजलास सिर्फ 40 मिनट चल सका। शदीद हंगामे के बायस स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तमाम कायमा कमेटियाँ भी तोड़ दी गईं। स्पीकर का अपोजिशन अरकान को कहना था कि आप अवामी नुमाइंदे हैं, अपनी नशस्तों पर तशरीफ रखें। ताहम अपोजिशन ने एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद स्पीकर मुश्ताक गनी ने असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया।